ठीक है ना। वंदे मातरम। यस सर। अब अपन एक बार ये दोहराते हैं कि क्राइम फ्री भारत की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत जो है क्राइम के लिए 5 चीजें कर रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज क्रिएटिंग वेबसाइट, इट इज क्रिएटिंग पोर्टल, इट इज क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, सो दैट हमारी डिजिटल FIR हो, हमारा बैकएंड इंजन जो है एक बोने से पुलिस ऑफिसर से भी 100% डिटेक्शन करा पाए, और वो जो है इविडेंस कैप्चरिंग को पब्लिक साइड पे ले जा सके, और वीडियो बेस्ड ट्रायल और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 15 दिन में सजा करा सके या न्याय करा सके, और बाद में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रिवेंटिव मॉडल के माध्यम से शुरू में 50-60% केस में जो है ना बी में भी सक्सेसफुल, बट एट द टाइम विल पास एंड मोर डाटा विल बी विथ अस, वी वुड बी इन पोजिशन टू प्रिवेंट ऑलमोस्ट 90-95% केसेस, एंड वी वुड बी इन पोजिशन टू कैच द पीपल बिफोर दे कुड कमिट क्राइम, राइट। देन जो है जब आपको सब जितने क्रिमिनल्स मालूम ही है कम से कम उनको रिहैबिलिटेट कर दीजिए, राइट, तो एक क्राइम फ्री भारत हो जाएगी, और उसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो इतना पावरफुल है कि शायद हम टैक्सेशन को भी कम कर पाएंगे, इतना हैवी रेवेन्यू मॉडल है उसका, कभी विस्तार में बात करेंगे जी सर। अभी अभी अपन को जो बात है वो मुद्दे की बात मुझे लग रही है कि हमें पूरी एनर्जी लगाना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन रीच बियॉन्ड 1 करोड़, राइट जी। और उसको वर्चुअली बाद में तो पूरे 137 करोड़ पे ले जाना है, ठीक है जी। और फिर जो है प्रायोरिटाइज करके छोटी छोटी चीजों को सिंबॉलिकली कराना है, यदि वो सिंबॉलिकली चीजें होंगी तो एक कॉन्फिडेंस का वो जाएगा, और जो ये इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस हैं, जो डी कंपनी वाले हैं, वो दड़बे में घुसेंगे, और एक एक चीजों को फिर अपन जाएंगे कि साहब जो है ना इसके ऊपर हिस्ट्री में ये रिसर्च कराओ वो करो, राइट, बच्चों को विदेश भेजा जाए, क्योंकि यहां से तो हर चीज गायब हो चुकी है, बहुत सारी चीजें विदेशों में मिलेंगी, तो विदेशों में जहां वो चीजें अवेलेबल हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर वहीं जाएं, वहां से चीजें इकट्ठी करें, उसकी किताबें लिखें, यहां पे आए और फिर उन पत्रों के साथ उन चीजों के साथ जिन लोगों ने पद्म भूषण और पद्म श्री वगैरह लिए हैं उनको भी अपन चैलेंज करवाएं, क्योंकि उसके पीछे और कुछ नहीं है, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक, इट्स क्वेश्चन ऑफ जस्ट सेंडिंग ए राइट काइंड ऑफ सिग्नल कि तुम दुष्ट थे, तुम साले हरामी थे, तुमने पद्मश्री पद्म भूषण पाया, एंजॉय किया, लेकिन एक्चुअली में यू वेर द पार्ट ऑफ द कंस्पायरेसी हु डिस्टॉर्टेड द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशन, तुम एकदम घटिया चरित्र के व्यक्ति थे, बस समझ रहे ना जी जी। देन हमें जो अपना इलेक्शन रिफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे, अभी 2024 के पहले हमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन पे जाना है, तो ये जो 3-4 महीने में ये छोटी छोटी चीजें हो जाए, इसमें तो कोई पैसा खर्च होना नहीं है, राइट, बिल्कुल, जो अभी अपन ने चर्चा की थी कि नोटा को कैंडिडेट बना दें, नोटा से जो हारेगा वो 15 साल तक उसे लड़ने का वो नहीं होना चाहिए, जिसकी जमानत जब्त होगी इसका मतलब है कि उसने बिना तपस्या के उतर गया है वो, राइट, और यदि उसे लगता है उसने तपस्या नहीं की है तो खुद उतरने के बजाय किसी अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करे ना, उसके फेवर में कैनवास करे ना, वो जो जिससे सहमत हो, वो अंक गलत का हिसाब क्यों बढ़ रहा है। फिर जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहें कि जिसमें एक पार्टी भी एक भी यदि कैंडिडेट नहीं जीतता है तो उसे 10 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए, बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, नहीं है आगे कोई एग्जिस्टेंस ही, करेक्ट। देन अपन छोटी सी चीज उस पे आ जाएं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना कोई भी कैश में वो नहीं लेगी, सब डिजिटल लेगी, एंड वी मस्ट नो कि कौन चंदा दे रहा है, ठीक है ना जी, और जो चंदा दे रहा है उसे हम राइट टू एडवोकेसी भी दें कि मैं आपको 1,000 करोड़ देता हूं, मैं चाहता हूं कि इस तरीके के नियम बनाए जाएं, और पब्लिकली उसको दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी, बेसिकली लॉबिंग कहते हैं इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में उसको, सो लेट देयर बी लॉबिंग, लॉबिंग फॉर गुड थिंग, देखो ऑन रिकॉर्ड तो कोई बुरी चीज कह नहीं पाएगा, कि कहेगा कह पाएगा नहीं, देखो उसे तो सही बात ही कहना पड़ेगी, हाँ या नहीं जी, हाँ सर कहना पड़ेगी, बिल्कुल, तो जब उसको यदि मान लो उसने 1,000 करोड़ दिए हैं तो जो है ना अंदर ही अंदर कुछ दूसरी गोटी पिलाए उसको लॉबी में सही बात कहे, राइट, बराबर, और उससे डिबेट हो, ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि ये किया जाए तो
उसको वी आर जस्ट सेइंग कि यू आर हैविंग द राइट टू कम आउट विद द एडवोकेसी राइट. उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि तुम 1000 करोड़ देने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है आपके पास इतनी वर्ल्डली विजडम है कि आप देश के हित में अच्छी चीजें कह सकते हो. जी हाँ राइट बिल्कुल. तो वो जो है ना नेक्स्ट उसका वो है ठीक है ना. तो हम इसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए. अब जब हम एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन की बात करें वो और भी सरल काम है, जिसमें हम बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं कि 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम. हम जो है प्रशांत राम टेके से इलेक्शन डिक्लेरेशन के बाद 1-to-1 बात नहीं कर सकते हैं. अच्छा आई एम योर मास लीडर, हम मास को मासेस से बात करें ना, हम जो बात कहना चाहें इट शुड बी एड्रेस टू द होल कंस्टिट्यूएंसी. यस यस एंड इट शुड बी ऑन द डिजिटल रिकॉर्ड राइट. यस इलेक्शन कमीशन का काम है कि आपके ही रिकॉर्ड के एक्सट्रैक्ट निकाले. 7 दिन पहले जो है ना एक मास डिबेट होना चाहिए जिसमें आपको आपके जो है ना आपकी रैगिंग ली जाएगी कि आपने ये कहा ये कैसे होगा वो कैसे होगा. तो आपके बुद्ध चातुर्य बाकपटुता आपके जो है ना इकोनॉमिक्स आपकी पॉलिटिक्स हर क्लियर आपके वो क्लियर हो जाएगी. और यदि आप पहले रहे हैं, यदि मान लो आप ऑलरेडी एमएलए या एमपी हैं, तो सब चीजें रिकॉर्डेड होती हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में. तो उस आपके एक्सट्रैक्ट निकाल के वो भी दिखाया जाएगा कि आप सो रहे थे, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा राइट. बराबर या जो क्वेश्चन पूछा वो कितना नालायकी वाला पूछा, या आपने क्वेश्चन पूछ के आप भाग गए बाहर, क्योंकि इनको पैसे मिल जाते हैं तो ये भाग जाते हैं बाहर. या राजेश टिकट वाले जैसे जवाब है. हाँ ऐसा होता है टिकट वाले जवाब ऐसा ही होता है. उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन बहुत आड़े तिरछे होते हैं उनको जो है स्पीकर अपने चैम्बर में बुला के समझाता है और कुछ 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 उसको दाना डाल देता है, उससे कहता है कि तू मत आना पूछने के समय. तो वो क्वेश्चन जो है ना वो बाय एब्सेंस ये चला जाता है क्योंकि पूछने वाला ही नजारत है. ये इस तरीके के ड्रामे नाटक बहुत होते हैं. तो वो सब चीजें भी आ जाएंगी. तो सो दैट व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस. तो जो अभी जो डेमोक्रेसी नहीं है वो डेमोक्रेसी ग्राउंड में खिलेगी, क्योंकि उसको लगेगा ऐसी कम तैसी तुम्हारी ऐसी कम तैसी सबकी ऐसी कम तैसी पॉलिटिकल व्हिप की साला मैं ही, मेरा जो है ना जब का परफॉर्मेंस नहीं देखेगा तो पब्लिक मुझे वोट ही नहीं देगी. करेक्ट. तो जब ये सब चीजें उसको दिखाने के बाद एक सेंस में तो ये सर ये तो वाकई में मतलब आप जो जो अभी बता रहे हैं वाला आइटम ये तो मतलब रियली अब जैसे तेलंगाना ने ऑलरेडी एक वोटिंग ऐप बनाया है उसकी तरह से हम ऑल इंडिया वोटिंग ऐप बना रहे हैं ठीक है ना. वोटिंग ऐप में 3-4 तरीके की चीजें रहेंगी जिससे हम आपकी आइडेंटिटी को चेक करेंगे पहले ठीक है ना. आधार कार्ड ये वो फोटो वोटो सब कुछ ले लेंगे ठीक है ना. फिर उससे कहेंगे कैमरा चारों तरफ घुमाओ, तुम अकेले हो, तुमने पूरा बोल्ट किया हुआ है ठीक है ना. फिर आपके 3-4 तरीके के टेस्ट लेंगे कि भैया तुमने जो है किसी के तुम जो है ना तुम्हारे सेंसेस काम कर रहे हैं, किसी दारू के प्रभाव में तो नहीं हो और किसी प्रभाव में तो नहीं हो ठीक है ना. देन आपके पास ये वीडियो दिखाए जाएंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कैंडिडेट हैं राइट. एंड देन आपसे कहा जाएगा नाउ यू आर रेडी टू डू द इन्फॉर्म्ड वोटिंग. क्योंकि जब तक आप वो वीडियो देख के और उसको कुछ एनालिटिकल 2-4 पॉइंट का जवाब नहीं देंगे तब तक जो है वो आपका माना जाएगा कि आपने उसको नहीं देखा है ठीक है ना. तो इट वी आर इन्फॉर्मिंग यू ऑल्सो, वी आर इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट कैंडिडेट यदि वो पहले एमएलए एमपी रहा है तो. तो हम एमएलए एमपी के दिमाग में अभी तो उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसने क्या किया पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करता है क्या, उसकी कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं करता आकर के उस समय इलेक्शन के पहले 15 दिन पहले जो चिल्ला नहीं वो तो अपनी बात कहता है ना. आपने इलेक्शन उसमें पार्लियामेंट में हमारे को हमको क्या रिप्रेजेंट किया, हमारी बात कही नहीं कही, ये कहाँ पे डिबेट कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता. हाँ तो वो डिबेट में आएगा. सो द वोटिंग विल बिकम मोर ट्रांसपेरेंट मोर इफिशियंट, इट विल बी एक्सपेंडिचर फ्री. ना आपको चुनाव चिन्ह बनाना है, ना आपको झंडे बनाना है, ना कुछ बनाना है. जो झंडे होंगे सब वो डिजिटल होंगे जिसमें कोई बोला ना सर मैं बोला ना खर्चा ही कुछ नहीं होगा. हाँ उसका नाम ही एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन है ना. अपन उसको कह भी यही रहे ना कि इट इज एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन नहीं. यस यस यस. तो एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन शुड बी द नेक्स्ट. और इन सब को करने के बाद फिर अपन थोड़ी सी उस बात को भी करें अपन, क्योंकि विदेशी ताकतें आपके एमएलए एमपी को खरीद सकती. हम में से हमारे इंटेलिजेंसिया जो है ना बिकाऊ है, हमारे साइंटिस्ट बिकाऊ हैं जो पैसे लेके आज ये रिसर्च लिख देते हैं कल दूसरी रिसर्च लिख देते हैं. अरे भाई साइंटिफिक रिसर्च कैसे बदल सकती है यार.
वन प्लस वन थ्री कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, नहीं, आज ये कह रहे हो कल दूसरी बात कह रहे हो, साला ये भाई यदि तुमने रिसर्च की है तो एक ही चीज सत्य हो सकती है ना, रिसर्च तो सच है, है ना, सत्य थोड़ी बदल सकता है, या ये सच या वो सच। हाँ, और जो आप रोज बदल रहे हो इसका मतलब पैसे लेकर बदल रहे हो, तो आपसे लिखवाए जा रहा है चीजें, तो आप क्या इंटेलेक्चुअल है? वो तो वैसे ही हो गया जो हमारे नचाइए जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ये पैसे लेके जो है ना किसी का भी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, उसकी सत्यता से ना कोई लेना देना थोड़ी है जी। आप लुटे पेटे इनके से तो क्या जा रहे हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट करने का करोड़ मिल गए, है कि नहीं? बराबर सर। तो इन सब चीजों को अपन इतनी आसानी से कर पाएंगे, वो भी बिना रोड पे उतरे, ना बिना जो है चक्का जाम किए, बिना कुछ किए, बिना पब्लिक प्रदर्शन किए हुए, और किसी को इनकन्वीनियंस नहीं, किसी को कहीं जाना नहीं, ना किसी को दिल्ली जाना, ना किसी को लखनऊ जाना है, अपने छत पे जाके ताली बजाओ भैया, दीपक जलाओ, ये बताओ दिन पूरे जो है ना देश भर के जो है पत्रकार जो है आपके दीपकों की रोशनी को जो है रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाएंगे, राइट राइट। तो हम जो है अपनी चुनी हुई सरकार से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की अपेक्षा कर पाएंगे, और यदि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करता है तो हम उसे एक्सपोज कर पाएंगे, और हर हालत में फिर वो अगले चुनाव में तो नहीं जीतेगी, और करेगी तो उसे ही जीतना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर फुलफिल कर दिया तो वो फुलफिल कर रही है तो फिर हम ही उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना। वो तो खुद अपना कहेगा कि साहब देखो आपने ये कहा, मैंने किया ये 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 किया, हम भी उसकी स्थिति का गान करेंगे, यस आपने किया, है ना। तो ऐसा तो सेकंड हमें चाहिए कि हमें अपनी शक्ति से बहुत जल्दी डोनेशन क्रिएट लेके, और जो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जो जो फालतू में अपन बच्चों से कराने के चक्कर में इतने लेट हो गए हैं, नहीं तो अभी से दो साल पहले ये सब हो गया होता, अब कम से कम हमें 3 से 6 महीने में उसे करा लेना चाहिए, और थ्रो द टेक्निकल जायंट कराना चाहिए जी। क्योंकि बहुत कोई आप ऐसी रॉकेट साइंस की बात नहीं करें, आसानी चीजें हैं, बहुत कम पैसे में वो क्रिएट की जा सकती हैं, उसके लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, और ये जो बच्चे हैं वो उतने उसमें परपक्व भी नहीं होते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं। तो सर मैं अपने कॉलेज का मेरी बैच का सैमसन करके एक लड़का है, सैमसन सैमुअल, तो ही जब ये बिग बाजार चालू हुआ था ना सर, तो ही वॉज अ काइंड ऑफ यू नो, अपने दो बंदे थे, एक रविकांत, हम लोग साथ वाले ही थे एक साथ में, तो एक राइट हैंड था एक लेफ्ट हैंड था, किसका अपना ये क्या नाम इनका बिग बाजार वाले, तो ये जितना भी पूरा का पूरा इंडिया में सिस्टम और ये सब क्रिएट किया हुआ है ना, ये उन्होंने किया हुआ, एंड अभी तो बिग बाजार ऑलमोस्ट रिलायंस ने पूरा ले ही डाला है, उसमें से रविकांत है, ये पूरा का पूरा मतलब दे आर अ काइंड ऑफ यू नो एक्सपर्ट, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट, तो वो जो है ना क्राइम फ्री भारत में अपने साथ जुड़ के जो टेक्नोलॉजी अपन क्राइम फ्री भारत के लिए बनाना चाह रहे हैं, जो सीएफबी एग्रो के लिए बना रहे हैं, सीएफबी आयुष के लिए बना रहे हैं, सीएफबी मीडिया, सीएफबी ई कॉमर्स के लिए बना रहे हैं, उसको जो है ना दे कैन प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल एंड दे कैन ऑल्सो बी द बेनिफिशरी इन टर्न, मतलब विन विन सिचुएशन, राइट। क्योंकि जब आप पूरी सोसाइटी को 5 गुना इनकम बढ़ा रहे हो तो सभी का लाभ होना चाहिए ना, जो उसके बनाने में मदद कर रहा है उसका भी लाभ होना चाहिए, उसको समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है, बराबर। जब 5 गुना आप ले जा रहे हो तो बैल से तो फ्लो करेगी, मैं बोलता हूँ सर इन लोग को, दोनों को भी बोलता हूँ। हाँ, तो अपन इनको ऐसे लोगों को जोड़े, उनसे बात करें, उनकी बातचीत को जो है जो रिकॉर्ड करने पे करना चाहते हैं रिकॉर्ड पे कर ले, जो वैसे ही कॉन्फिडेंस से करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंशियल कर ले, और एक उससे क्या है कि एक रीअश्योरेंस का माहौल क्रिएट होगा कि अब बड़े बड़े बाजार भी इसमें भिड़ गए, ठीक है ना। और स्टिल जो है देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका पेट खाली है, तो उनका पेट इतना बड़ा नहीं है कि हम सब लोग यदि इतने सामर्थ्यवान तो हैं कि हम थोड़ा थोड़ा भी डोनेशन कलेक्ट करेंगे तो उससे बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इनकी तो आवश्यकता अपन पूरी कर ही सकते हैं। तो 6 महीने में एक बार अपना सिस्टम चालू हो गया तो फिर तो पैसे की जो है ना, जब आप टाइम टाइम इकोनॉमी को ले जा रहे हैं एंड यू आर पार्टनर ऑफ द 20%, तब तो जो है ना वेल्थ का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहना है ना, हर किसी की वेल्थ तो आपकी वेल्थ भी है ना, बराबर।
मतलब यू आर पार्टनर 20% अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स ऑल स्टेक होल्डर्स. तो आगे चल के तो जो है इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल. और आपका इकोसिस्टम यदि बढ़ेगा तो आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपके वॉलेट पॉइंट के विदिन ही मामला झूलता रहेगा. राइट. जब आपके वॉलेट पॉइंट से आप बाहर जाओगे तब आपको रुपए की जरूरत पड़ेगी और वो आपका जो है ना वॉलेट पॉइंट का बैकएंड इंजन संभालेगा. राइट. तो जरूरत ही नहीं है सर बाहर से. हाँ, नहीं, हाँ नहीं, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बैकएंड इंजन संभालेगा ना. वो जो है ना हमारे आपके जो करंट अकाउंट की जो लिमिट है उसी से जो है ना काम बन जाएगा. हो सकता है उसकी भी जरूरत ना पड़े, थोड़ा सा दिया 2 घंटे के लिए, उसके 2 घंटे में वापस आ गया. नहीं. हाँ या नहीं. बराबर सर. तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाइक माइंडेड लोगों को करके और हम उसके में एनर्जी के साथ काम करें. अभी आपकी जो बातचीत हो रही है इसे मैं अभी लॉन्च भी करता हूँ क्योंकि मैं ये, मेरा ये सोचना है कि ये एनर्जी है. जब ये बात कोई दूसरा सुनेगा उसे लगेगा हाँ यार ये ठीक बात कह रहे, यही तो मेरी सोच है. राइट. तो वो ऐसे लोग जो है वो जोर से जुड़ने के लिए आगे आएंगे और वो आगे आएंगे तभी अपना भला होगा. बराबर सर. है ना. तो लाइक माइंडेड पीपल तो फटाक से जुड़ जाएंगे. फटाक से जुड़ेंगे. या, या. और हम सब लोग इतना तो कर ही लिए हैं कि अब काफी कुछ आगे कर पाए. नहीं. है कि नहीं. जी हाँ सर. चलो प्रशांत, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत. हम मिलके जरूर कामयाब होंगे और 6 महीने के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी शुड बी इन द प्लेस इन मार्केट. यस सर. टू बेनिफिट पीपल एट लार्ज एंड इट शुड बी इन पोजिशन टू क्रिएट ए इन्फोर्समेंट, ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो इस तंत्र को और इस सरकार को हिला दे और उसको कानूनी तौर पर और संविधान के तहत अपने कार्य को निर्वहन करने के लिए मजबूर कर सके. बिल्कुल सर. बिल्कुल मजबूर कर सके. बिल्कुल सर. है ना. जी हाँ सर. बीइंग इंजीनियर यू कैन, आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट जो मैं कह रहा हूँ. यस यस. इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस. इट्स वेरी इजी टू बी डन. I am completely aligned with sir. I'm completely aligned. From okay. the moment we started having conversation on that day, just after a couple of sentences, I was completely aligned. चलिए. Yeah, तो प्रशांत भिड़ जाते हैं. यस सर. भिड़ गया हूँ सर. मैं तो भिड़ गया हूँ. I am so charged up. मतलब अंदर ही अंदर बाकी सब बात भी करना चालू कर दिया हूँ मैं. बढ़िया. चलिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम. सर बिल्कुल. सोने की चिड़िया बनेगी विक्रमादित्य की, सोने की चिड़िया वापस भारत बनेगा सर. वंदे मातरम. जय हिंद सर. जय हिंद वंदे मातरम. जय हिंद सर.